नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में व्यवसायी से तमंचे की नोक पर 2 लाख की लूट। महुली में किराना व्यवसायी रूपेश गुप्ता के दुकान पर लगभग 2 लाख की लूट की सूचना। तमंचे की नोक पर 2 लाख लूट की सूचना। 3 बदमाश दुकान पर आकर तमंचा सटाकर लूट लिए 2 लाख रुपए। लूट के बाद पट्टी की तरफ भागे बदमाश। मौके पर पहुंचे नगर कोतवाल व सीओ सिटी प्रतापगढ़ संवाददाता अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। एक लूट की सूचना मिली थी सर, कितने की लूट है और क्या मामला है? ये मोहली में रुपेश कुमार की किराना की दुकान है और यहाँ पर इनके बताने के अनुसार 3 अज्ञात लोग आए और इनके गले से लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये निकाल के चले गए, जो कि इनके बताने के अनुसार पट्टी की तरफ। सर क्या CCTV और क्या बदमाश कुछ इस समय में हम लोग पहचान के लिए साथ प्रयास कर रहे हैं। जब घरे का लक्ष्य निकालो किया